दोस्तों जैसा कि अभी मॉडल देख पा रहे होंगे, आज भी इसी को डिस्कस करने वाले हैं। इसका साइज की अगर हम बात करें तो 50x60 है, मतलब 50x60 इसका साइज है। और ये मॉडल जो मैंने डिजाइन किया है एज आ कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों परपज से डिजाइन किया है। अगर आपका ये मकान फ्रंट रोड पर है और आप इसमें कमर्शियल परपज पे भी यूज कर सकते हैं और एज आ रेसिडेंशियल भी यूज कर सकते हैं। और काफी बड़ा साइज है क्योंकि 3000 स्क्वायर फुट एरिया 50x60 है तो काफी बड़ा है। इसके लिए इसको बनाने में काफी टाइम भी लगा है और हमारे एक फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के ये प्लॉट है, उन्हीं के साइज पर, उन्हीं के कहने पर मैंने डिजाइन किया है। तो इसको हम देखते हैं, आज पूरा डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, अगर फ्रंट की बात करें, ये दोस्तों फ्रंट पोर्शन है इसका। और इससे अगर हम प्लॉट की बात करें तो फ्रंट से यहाँ पर एक रोड निकला है, लिंक रोड है एक, और साइड से एक रोड निकला है। एक कॉर्नर पर ये प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो ये फ्रंट का डिजाइन है और ये इसका कॉर्नर वाले का जो अंदर को एक गली गई उसका डिजाइन है। तो पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा के तरीके से मैं इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैं हर बार आपको ट्रांसपेरेंट करके इस मॉडल को दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इस मॉडल को ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो ये मॉडल देखिएगा, आपको ऐसा दिखने वाला है ऊपर से लेकर नीचे तक। और ये मॉडल पूरा मैंने पिलर पर डिजाइन किया है, कॉलम पर डिजाइन किया है। तो ये पूरा अगर आप देखते हैं टॉप व्यू, तो टॉप से आपको ऐसा दिखने वाला है। अगर साइड की बात करें तो ऐसा दिखने वाला है, फ्रंट से बात करें तो ऐसा दिखने वाला है। तो इसका हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर डिजाइन किया है। चलो इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके इसको ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आते हैं और इसको इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे स्मॉल हाउस प्लान चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार अपडेटेड वीडियो देता रहता हूँ आपको होम डिजाइनिंग से रिलेटेड। अगर आपका कोई रिकमेंडेड, अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई स्पेशल मॉडल डिजाइन किया जाए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उससे जैसे में टाइम मिलता है आपका हम वो मॉडल जरूर डिजाइन करेंगे। और हमारा दोस्तों एक वेबसाइट भी smallhouseplan.com जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। पूरे डिटेल मैंने बहुत सारे मॉडल यहाँ पर दे रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसके ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं तो फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा जी, ये आपको येलो कलर का दिख रहा है। ये दोस्तों शटर लगे हैं यहाँ पर, चार दुकानें निकाली मैंने जैसे कि बताया आपको कमर्शियल पर्पज के लिए, क्योंकि फ्रंट पर ये प्लॉट है, डिजाइन मतलब कि रोड निकला है सामने, तो यहाँ पर कमर्शियल पर्पज चार दुकानें सामने निकली हैं और साइड में भी दो दुकानें निकली हैं। तो ये आपको छह दुकानें यहाँ मिलती हैं और पूरा मैंने नीचे सिर्फ ओपन बनाया, हॉल टाइप का बनाया। अगर कोई बंदा किराए पर लेता है, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ये दिया है ये चार दुकानें दे दी हैं और ये कमर्शियल पर्पज सिर्फ पिलर्स पर दिए हैं सारे, देखिएगा इसका साइज मैंने बता दिया है। और अगर हम साइड की बात करें, फ्रंट से यहाँ पर कोई भी एंट्री गेट नहीं दिया है, सिर्फ इसको साइड में जो रोड दिया वहाँ से इसका मेन डोर दिया है। मेन डोर से आप जैसे एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाती है स्टेयर्स जो कि अंदर से आएगा और फिर अंदर को चला जाएगा, मतलब एल टाइप का होएगा। और यहाँ से आप इंटर करेंगे और ये पूरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने डिजाइन किया है दो दुकानें, मतलब रूम बात करें या बेडरूम बात करें और पूरा हॉल है, ये आप पे डिपेंड करता है कैसा आप डिजाइन करते हैं। तो ये तो होगी इसके फर्स्ट फ्लोर की बात, अब हम इसके सॉरी ग्राउंड फ्लोर की बात, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से आपको फर्स्ट फ्लोर ऐसा दिखने वाला है और साइड में आपको ये ऐसा दिखने वाला है। तो जैसे आप स्टेयर से ऊपर आते हैं तो जहाँ ये चार दुकानें थी यहाँ पर जो फ्रंट में डिजाइन किया है दोस्तों, ये मॉडल ये है, तीन फैमिली यहाँ पर आराम से रह सकती हैं एज अ फ्लैट, देखिएगा कैसे। अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें, यहाँ पर आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं और ये आपका किचन एरिया, ये आपका बाथरूम एरिया, ठीक है, और ये आपका ओपन एरिया रहेगा, लिविंग रूम आप इसको बना सकते हैं। तो इस फैमिली के लिए ये हो गया सेम टू सेम, बिल्कुल इस कॉर्नर पर ये डिजाइनिंग है और यही कॉर्नर वाली डिजाइनिंग ये वाली भी है। और इसमें थोड़ा चेंजमेंट है लास्ट वाले कॉर्नर पर, आप दो बेडरूम है लेकिन एक स्टोर रूम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये, और अगर हम बात करें, देखिए ये आपको एरिया थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ भी मैंने एक स्टोर रूम डिजाइन किया है। यहाँ पर आप पानी वाला जो भी आपका फिटिंग होता है, जो भी आप चाहे मोटर रख सकते हैं कुछ, इसलिए वो एरिया निकाल दिया है। तो ये यहाँ पर तीन फैमिली के लिए बेहतरीन सा डिजाइन है, एक फैमिली यहाँ एडजस्ट हो सकती है, दो बेडरूम, एक लेटरिन बाथरूम और आपका ये किचन सेम टू सेम यहाँ पर है। और ये सारी चीजें देखो, पिलर आपको दिख रहा है, पिलर पर डिजाइन है सेम टू सेम, पीछे वाला पोर्शन है और इसमें थोड़ा चेंजमेंट है। तो आप जैसे देखिए मेन डोर से आप जैसे ऊपर आते हैं स्टेयर से, तो आप यहाँ से आएंगे, आप यहाँ पर देखिए चार आपको गेट दिख रहे होंगे, एक दो तीन चार। तो अगर आपको इस वाले पोर्शन में जाना है तो इस डोर से आप एंटर करेंगे और हर एक के लिए फिर अलग अलग डोर दिया गया है। अगर इसमें जाना है तो इस वाले आप डोर से एंटर करेंगे और यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, ऐसे इस वाले डोर के लिए है, एरिया के लिए है और इसी टाइप का इस वाले एरिया के लिए। तो ये
काफी बेहतरीन डिजाइन है 50x60 अगर आप कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों डिजाइन कराना चाहते हैं। अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे मैंने बाहर जो 2.5 फुट का लगभग बालकनी दिया है, तो आप देख पा रहे हो ये बालकनी की रेलिंग है, और फ्रंट से भी मैंने हर एक रूम में एक एक डोर दिया है। और अगर हम बात करें किचन की, तो यहाँ पर एक वेंटिलेशन के लिए मैंने राउंडेड विंडो दे दिया है, और यहाँ पर भी गेट दिया है, यहाँ पर भी गेट, ये देख सकते हैं। हर एक बेडरूम के लिए अलग अलग गेट है, बालकनी से भी आप बाहर आ सकते हैं। तो ये पूरा डिजाइन था जिसका साइज था 50x60, हमारे एक फ्रेंड से उनके कहने पर डिजाइन किया था। तो ये दोस्तों आपको डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और लास्ट फ्लोर की बात करें तो मैंने फिलहाल वहाँ कुछ डिजाइन नहीं किया, सिर्फ रेलिंग चारों तरफ बना दिए हैं। ये पूरा कंप्लीट मॉडल आपका हो जाता है 50x60 का जो मैंने आज डिस्कस किया। आपको डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं स्मॉल हाउस प्लान पर, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको विद साइज सब कुछ मिलने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।